और इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद तमाम बातें निकल कर सामने आई। मुख्यमंत्री का बयान आया, तेजस्वी यादव का बयान आया कि हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, प्रधानमंत्री से अपील की है, तो तमाम बातें जातीय जनगणना को लेकर कल सामने आई थी। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चल रहा था। आपको पता है कि सहयोग कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, हर दिन अलग अलग मंत्री आते हैं, जनता की फरियाद सुनते हैं, फरियादियों की फरियाद सुनकर निदान करते हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह मबलू मौजूद थे और उन्होंने जातीय जनगणना पर एक बार फिर से सवाल किया है। साथ ही कह दिया है कि जातीय जनगणना या फिर किसी भी काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, तो तमाम बातें नीरज बबलू ने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर राज्य को बचाना है, अगर देश को बचाना है, तो हम मैंने ये सवाल पहले भी उठाया था और अब भी कर रहा हूँ कि देश को बचाना है, अगर राज्य को बचाना है, अगर धरती को बचाना है, तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, इसको लागू करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए आप। देश की स्थिति को देखते हुए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि इस राज्य में और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना सबसे आवश्यक है। हर काम से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हर गिनती से पहले ये काम हो, उसके बाद जो भी काम हो, जो भी गिनती करना हो, जो भी विकास का काम हो, वो बाद में, सबसे पहले अगर धरती बचाना है, राज्य बचाना है, देश बचाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। हम लोग इसकी आवाज पहले से बुलंद कर रहे हैं और लगातार इस बात को रखना है। आपके पार्टी के नेता जनक रामपुर पहुंचे दिल्ली, डेलीगेशन में दोनों डिप्टी सीएम को अलग रखा गया है, जनक राम को भेजा गया है, बीजेपी का इसके पीछे क्या कोई स्टैंड है? देखिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय भी है कि सबसे पहले इस राज्य और देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना अति आवश्यक है। वो एक सवाल है, लोकसभा में पार्टी ने खुल करके स्टैंड रख दिया कि जातीय जनगणना की अभी थोड़ी देर में, जब ये जानते हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है, बावजूद उसके बाद धरना नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं? ठीक है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, राजनीति में लोग काम में लगे रहते हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट तौर से बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर धरती बचाना है, देश बचाना है, राज्य बचाना है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा क्षेत्रफल छोटा है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इसके लिए आवश्यक है कि इस राज्य और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। तो आपने नीरज बबलू को सुना, उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर राज्य देश को बचाना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की ज़रूरत है, जातीय जनगणना से भी पहले इस जो ये नियम है, कानून है जनसंख्या नियंत्रण, इसको लागू करने की ज़रूरत है। तो तमाम बातें उन्होंने कही, आपने साफ तौर पर उनको सुना। आप देखना है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून को करवाया जाता है या फिर जातीय जनगणना को आगाज़ किया जाता है, जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। तो बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार इन शॉर्ट्स के साथ आप बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।